नेक्स्ट है डिस्कस द मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन इन्वॉल्विंग सेपरेबल और डीजनरेट कर्नल। इसमें हम डिस्कस करेंगे दैट हाउ वी आर टू सॉल्व फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन विच इन्वॉल्व डीजनरेट और सेपरेबल कर्नल। तो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस दैट मेथड या प्रोसीजर जिसके थ्रू हमने फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट करना है अगर उस फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन में सेपरेबल या डीजनरेट कर्नल इन्वॉल्व हो। तो देखें प्रोसीजर देखें सोल्यूशन देखें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन एंड सेकंड काइंड फ्रीडोलम इंटीग्रल इक्वेशन। Consider the second kind Fredholm integral equation u of x is equal to f of x plus lambda e to b k x y u of y into dy. Now k x y is separable or degenerate kernel, therefore kernel is of the form k x y summation a I of x b I of y. मतलब कि वो सेपरेट हो सकेंगे, x का अलग से फंक्शन और y का अलग से फंक्शन आएगा। जैसे मैंने ऊपर आप लोगों को एग्जांपल दे दी है, ये इस तरह का कर्नल है, ये e की पावर x प्लस y, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y। दैट टाइप ऑफ कर्नल इज कॉल्ड सेपरेबल आर डीजनरेट कर्नल एंड दिस इज जनरल फॉर्म ऑफ सेपरेबल आर डीजनरेट कर्नल। तो यूज या पुट द वैल्यू ऑफ के एक्स वाई इन वन। So u of x is equal to a f of x plus lambda e to b summation I a I of x plus b I of y u of y into dy. Further क्या करना है, चूंकि ये integration with respect to y हो रही है तो जो x वाला term होगा वो इसमें constant होगा, उसको आप बाहर निकाल लें। तो u of x is equal to f of x plus lambda summation ये जो term है ये इंटीग्रल साइन से बाहर आ जाएगा बिकॉज इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई हो रही है। तो एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा समीशन आई ए आई ऑफ एक्स इंटीग्रल फ्रॉम ई टू बी वी आई ऑफ वाई यू ऑफ वाई इनटू डी वाई विच कैन आल्सो बी रिटन एज यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा समीशन आई ए आई ऑफ एक्स। इसको इस इंटीग्रल को आप सी आई का नाम दे दें, इस इंटीग्रल को आप सी आई का नाम दे दें, इस बी आई की वजह से इसको सी आई का नाम दे दें इस इंटीग्रल को, वेयर सी आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी बी आई वाई ऑफ यू आई इंटू डी वाई। री राइट थ्री एज, तो थ्री को फिर देखें जब आप यहाँ पे सी आई पुट कर देंगे तो इक्वेशन थ्री कैन बी रिटन एज u of x is equal to f of x plus lambda summation k c k a k of x. This is equation 5. So put x is equal to y. अगर आप equation 5 में y put कर दें तो we get u of y. And u of y क्या हो जाएगा यहाँ पे, f of y plus lambda summation k c k a k of y. अब ये क्यों किया इस तरह, उसकी वजह ये है कि हमने ये सी आई कैलकुलेट करने हैं। ये सी आई जो हमने इस इंटीग्रल को कहा हुआ है इसको हमने कैलकुलेट करना है। दीज आर अननोन विच कैन बी कैलकुलेटेड नाउ। तो इसमें यू ऑफ वाई यूज हो रहा है तो यू ऑफ वाई आप इस इक्वेशन 5 से ले लेंगे और इक्वेशन 4 में पुट कर देंगे। तो सी आई इज इक्वल टू ए टू बी बी आई ऑफ वाई एफ ऑफ वाई प्लस लैम्डा समीशन के सी के ए के वाई ऑफ इंटू डी वाई। अब आप इसको खोल दें इस इंटीग्रल को, इस पे अलग लग जाएगा, इस पे अलग इंटीग्रल लग जाएगा। अब आप जो है इस इंटीग्रल को नाम दे दें, इस इंटीग्रल को आप नाम दे दें एफ आई का, तो सी आई, और इस इंटीग्रल को आप नाम दे दें ए आई के का। पुट या डिफाइन एफ आई इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी बी आई ऑफ वाई एफ ऑफ वाई इंटू डी वाई एंड ए आई के इज इक्वल टू दिस। तो सी आई आपके पास बन जाएगा एफ आई प्लस लैम्डा समेशन के सी के ए आई के। अब इस पे भी टेंसर वाला ला अप्लाई कर दें तो ये समेशन जे डेल्टा आई जे ए जे ए आई के इक्वल होता है, तो यहाँ के कैंसिल हो जाएगा तो ए आई आ जाएगा। तो ये हो जाएगा
ci is equal to fi plus lambda ai. लेकिन चलो मैं इसको मजीद उसने कुछ इस तरह सिंप्लीफाई किया है कि देखें सी आई इसकी परापुट कर सकते हैं इसको यूज करते हुए जिस तरह उसने देखें ए आई की जगह पे ये लिख सकते हैं ना, इससे ये ए आई आता है, तो इसी तरह सी आई की जगह पे ये सम आप लिख सकते हैं। तो ये सम हमने लिख दिया। अब जब सम लिख दिया तो अब सम के जो दो टर्म्स है, एक ये वाली टर्म और एक दूसरी जो है वो ये वाली टर्म लेमडा के साथ जो है, इन दोनों को आपस में डालें और एफ वाला टर्म दूसरी साइड पे रखें। अब इक्वेशन सी इज इक्विवेलेंट टू अ सेट ऑफ एन अलजेब्रिक इक्वेशन। इसमें जो वेरिएशन है आई की, दैट इज फ्रॉम वन टू एन, सी वन सी टू सी थ्री सी एन तक, तो ये एन अलजेब्रिक इक्वेशन है। आप इसको लिख सकते हैं, देखें उसने लिखा है नीचे When we put i equal to 1, अब आप लोगों को पता है कि i 1 हो तो डेल्टा 1 1 पे आंसर 1 आएगा, बाकियों पे 0 हो जाएगा। तो ये देखिए उसने डिटेल से लिखा है, तो where i is equal to 1, तो i जब इस सम में 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा डेल्टा 1 के माइनस लैम्डा ए 1 के, ठीक है, और यहाँ पे f 1 हो जाएगा। अब इस सम को आप ओपन करें तो देखें इस सम को जब आप ओपन करेंगे तो ये डेल्टा 1 1 के को आप वेरिएशन देंगे ना एन तक जाएगा, डेल्टा 1 1 माइनस लैम्डा ए 1 1 सी 1 प्लस डेल्टा 1 2 के को एन तक वेरिएशन देंगे, हेयर के इज वेरी फ्रॉम 1 to n, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब ये देखें जहाँ पे डेल्टा 1 1 है वो 1 हो जाएगा, बाकी 0 हो जाएंगे, तो यहाँ से इक्वेशन को चू बन जाएगी 1 माइनस लेमडा ए 1 1 सी 1 माइनस लेमडा, ये 0 हो जाएगा डेल्टा 1 2 माइनस लेमडा 1 2 सी 1 2, फिर इसी तरह माइनस लेमडा 1 ए 1 एन सी 1 एन इज इक्वल टू एफ 1। इसी तरह जब आप आई को 2 पुट करोगे तो फिर ये डेल्टा 2 2 जो है वो आंसर देगा 1 माइनस लेमडा ए 2 2, और बाकी इसी तरह बाकियों का डेल्टा जो है वो 0 होता जाएगा, इक्वेशन को चू बन जाएगी। इसी तरह जब आई को आप 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे डायगोनल में इसी तरह एलिमेंट आते जाएंगे, तो आपके पास ये देखें ये डी जो है दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अलजेब्रिक इक्वेशन है और इसमें एन अननोन है, एन इक्वेशन है, सी वन भी एक अननोन है, सी टू भी, सी थ्री भी, सी फोर, और ये सी वन सी टू सी थ्री ये हमने कैलकुलेट करने हैं। और अगर आप इस डी को देखें तो दिस रिप्रेजेंट नॉन होमोजीनियस अलजेब्रिक इक्वेशन, सिस्टम ऑफ अलजेब्रिक इक्वेशन जिसमें अननोन है और नॉन होमोजीनियस है ये सिस्टम। जब ये सिस्टम नॉन होमोजीनियस, दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन सी आर डी विल यूनिक सॉल्यूशन इफ द कोफिशिएंट इज नॉन सिंगुलर। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखें इसका अगर आप कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना दें, तो अगर आप इस सिस्टम को मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख दें तो कोफिशिएंट का जो मैट्रिक बनेगा ना वो बनेगा 1 माइनस लैम्डा ए 1 1 माइनस लैम्डा ए 1 2 माइनस लैम्डा ए 1 n और इसी तरह माइनस लैम्डा ए 2 1 1 माइनस लैम्डा ए 2, और जो अननोन का कॉलम मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा सी 1 सी 2 सी 3 सी n और इसी तरह जो बी मैट्रिक्स बनेगा वो बनेगा कॉलम मैट्रिक्स वो एफ 1 एफ 2 एफ n तक बनेगा। तो जो कोफिशिएंट का मैट्रिक्स है उसको उसने डी ऑफ लैम्डा से डिनोट किया हुआ है, ठीक है, डी ऑफ लैम्डा से उस कोफिशिएंट का मैट्रिक्स, क्योंकि उसमें लैम्डा आ रहा है तो उस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को डी ऑफ लैम्डा कहा हुआ है। यहाँ पे तो जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स डी ऑफ लैम्डा है ये नॉन होमोजीनियस है, तो इसका सोल्यूशन तब एग्जिस्ट करता है जब इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, जब इनवर्स एग्जिस्ट करता हो कोफिशिएंट मैट्रिक्स का। अब वो इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब कोफिशिएंट मैट्रिक्स आपके पास नॉन सिंगुलर हो, मतलब जब उसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो, तो उसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो, देखिए ये उसने कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिखा हुआ है, दिस डिटरमिनेंट इज नॉन जीरो, इट इज क्लियर दैट डी ऑफ लैम्डा इज अ पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन। जब आप इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स को सिंपलीफाई करेंगे तो ये पॉलीनोमियल देगा डिग्री एन का, और लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा विद द रूट्स ऑफ दिस पॉलीनोमियल। इसमें जो लैम्डा 1 लैम्डा 2 है, अगर हम सपोज कर लें कि ये इसके पॉलीनोमियल के रूट है, तो देन लैम्डा आई माइनस वन आई लैम्डा आई फ्रॉम 1 to n, आई वेरी कर रहे हैं 1 से, ये माइनस नहीं है, आई वेरी कर रहे हैं 1 से n, आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज ऑफ होमोजीनियस इंटीग्रल इक्वेशन एसोसिएटेड विद 1।
क्योंकि देखिए ना, अगर ये उसके रूट्स हो, ठीक है, ये इक्वेशन के रूट्स हो अगर वो, तो इनकी करस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ रहे हैं ना, तो फिर इनको आइगन वैल्यू कहेंगे। एसोसिएटेड विद वन द इंटीग्रल इक्वेशन यू ऑफ एक्स लैम्डा ए टू बी के एक्स वाई यू ऑफ आई एंड टू, दिस सिस्टम विल हैव यूनिक सॉल्यूशन इफ लैम्डा इज नॉट इक्वल टू लैम्डा वन, लैम्डा टू, लैम्डा थ्री, लैम्डा इज नॉट इक्वल टू आइगन वैल्यू। अगर लैम्डा आइगन वैल्यू ना हो तो फिर इस सिस्टम का यूनिक सॉल्यूशन होगा। रिजॉल्वेंट कर्नल की आगे डेफिनेशन है, बस ये रिजॉल्वेंट कर्नल तक पढ़ते हैं, फिर थ्योरी ऑफ, ये थ्योरी जो इसमें अप्लाई हो रही है ना, ये जो प्रोसीजर अभी किया है कि ऐसा इंटीग्रल इक्वेशन जिसमें डीजनरेट या सेपरेबल कर्नल इन्वॉल्व हो, यही प्रोसीजर हम सॉल्यूशन पे भी अप्लाई करेंगे। जैसे इसमें स्टेप हुए वैसे ही स्टेप हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए अप्लाई करने हैं। मैं यहाँ पे बस एक डेफिनेशन करता हूँ, बस फिर करते हैं। रिजॉल्वमेंट कर्नल है कि इफ द इंटीग्रल इक्वेशन, ये इंटीग्रल इक्वेशन है, अगर इस इंटीग्रल इक्वेशन को इस फॉर्म में भी लिख दिया जाए, यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी, तो देन दिस इज कॉल्ड रिजॉल्वमेंट कर्व। अब यहाँ पे जो ये आ रहा है, ये एट द एंड ऑफ सॉल्यूशन ऑपरेंड होगा ये, और ये फंक्शन है, ये रिप्रेजेंटेशन है, जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ इन एक्स वाई लैम्डा। यह मतलब यहाँ पे जो फंक्शन अपीयर होगा वो एक्स में, वेरिएबल एक्स में होगा, वाई में होगा और लैम्डा में होगा। उसको नाम दिया गया है, उस एक्सप्रेशन को नाम दिया गया है गामा एक्स वाई जेड। ये गामा फंक्शन नहीं है, इसको उस गामा फंक्शन के साथ नोटेशन उसी तरह की है, लेकिन वो वाली चीज़ नहीं है, जस्ट नोटेशन है। यहाँ पे ये गामा फंक्शन नहीं है, यहाँ पे ये एक्सप्रेशन है एक्स वाई लैम्डा में जो यहाँ पे अपीयर हो रहा है, और इस एक्सप्रेशन को हम कहते हैं रिजॉल्वमेंट कर्नल। ठीक है, यू ऑफ एक्स कैन ऑल्सो बी रिटन इन दिस वे, और इसमें यहाँ पे जो फंक्शन अपीयर होता है, दिस इज कॉल्ड रिजॉल्वमेंट कर्नल। तो अब आप फिर क्वेश्चन भी ये देख लेंगे कि कैसे ये रिजॉल्वमेंट कर्नल हम कैलकुलेट करते हैं, क्वेश्चन से पता चल जाएगा। यहाँ तक काफ़ी है, वैसे तो क्वेश्चन भी कर लेते तो ज़्यादा ये प्रोसीजर कभी समझ आ जाता, बट टाइम ख़त्म है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में।